सो हे गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल गेमिंग विद हर्ष। तो आज हम फिर से करने वाले हैं पोकेमोन एमरल्ड की जर्नी को कंटिन्यू। पिछली बार हम आ गए थे स्टेट पोर्ट टाउन में, जहां पर हमने कुछ नहीं किया था। दरअसल वहां पर मैं आई थी, हमने उससे मुकाबला किया था और उसको हराया था। तो इस बार मैं सोच रहा हूं कि मैं अगले जिम में जाऊँ और इस एपिसोड में कम से कम उस जिम को तो मैं हरा ही दूँ, कंप्लीट कर दूँ। तो मैं ऑफ वीडियो आया था और यहाँ पर ये जो घर दिख रहे हैं ना, ये वाला, हाँ, वहाँ पर कुछ बैटल हुए थे, मैंने उसको हरा दिया था। और यहाँ पर ये ट्रेनर्स किसी काम के नहीं थे, कुछ काम है था ही नहीं, तो यहाँ पर से फालतू को मैं इसे लड़ा और ये एक्सपी बटोरा। तो फिर मैं ज़्यादातर ट्रेनिंग करते रहता हूँ, तो फिर मेरे पोकेमोन का लेवल अप होते रहता है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि आगे अगले वाले शहर में जाते हैं और वहाँ पर ना जिम मैच करते हैं। तो फिर आपको एक बार रास्ते से दिखा देता हूँ अच्छे से। यहाँ पर जितने भी ट्रेनर्स हैं मैं उन सबको हरा चुका हूँ, ऐसे मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर एक वाइल्ड पोकेमोन आ चुका है, तो फिर अब हम क्या किया जाए इसका, हम भागेंगे और क्या। डरते नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, हम इसको बड़े ही आसानी से हरा सकते हैं। पर क्यों फालतू में अपना वक्त बर्बाद करें, ये समझ नहीं आता ना। एक काम करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि एक तो रिपील लगा लूँ, नहीं तो फिर बहुत सारा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो रिपील लगा थे क्या, लगाऊँ, देखता हूँ, अगर होगा तो लगा दूँगा। कहाँ है भाई, एक मिनट है, मैं ढूँढ रहा हूँ रिपील। होगा कहीं ना कहीं तो होगा भाई, मिल जाएगा। यहाँ नीचे होगा, हाँ ये रहा रिपील। ठीक, मैंने यूज़ कर लिया है रिपील को, अब वाइल्ड पोकेमॉन परेशान करने नहीं आएंगे। तो अब हम जल्दी से जाता हूँ मैं उस अगले शहर में। मैं अभी नहीं गया हूँ, अभी पहली बार जाऊँगा, देखूँगा कि कैसा होगा। तो यहाँ पर ये जो ट्रेनर है ना, जो डॉटर हैं, ये लोग हमसे मुकाबला किए थे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैं सारे ट्रेनर बैटल पहले ही कर चुका हूँ ताकि बाद में आपको टाइम वेस्ट करना ना पड़े। ये यहाँ पर साइकिल वाली, ये लड़का, जितने भी लोग थे, ये फिशरमैन यहाँ तक की, उन सभी से मुकाबला किया हूँ मैं, सभी से लड़के उनको हरा चुका हूँ। ठीक है, तो रिपील का असर ख़त्म हो गया बिल्कुल सही टाइमिंग पे। तो अभी अगले शहर पे ये क्या है, मेवडलाइट सिटी शायद है। ठीक है, तो आगे जाएंगे, जिम होगा यहीं कहीं आगे, वह देखते हैं। यहाँ पर है पोकेमोन सेंटर, ये है जिम। ठीक है, तो आगे अगला रूट आ जाता है, तो फिर हम जिम में ही जाएंगे अभी। और जिम में ये लोग क्यों खड़े हैं यार, क्यों हमारा वक्त बर्बाद करते रहते हैं ये लोग। अंकल प्लीज़, आई वांट टू चैलेंज दिस जिम, मे आई प्लीज़। अंकल नाउ होल्ड ऑन वैली, सिंस यू आर स्टार्टेड लिविंग विद पोकेमोन यू हैव टू ग्रो स्ट्रॉन्गर। तो फिर ये जो लड़का है वैली, ये इस जिम को चैलेंज करना चाहता है, लेकिन इसका जो अंकल है वो इसको करने नहीं दे रहा। क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि अभी बच्चा है, अभी अभी चालू किया है, अभी कहाँ जिम लड़ेगा करके ऐसे ऐसे कुछ बोल रहा है। और यहाँ पर वैली ने ओ हाय हर्ष बोला है, तो वी हैव गॉटन अ लॉट स्ट्रॉन्गर सिंस, अभी इंट्रोड्यूस करा रहा है और बोल रहा है कि अगर मैंने इसको हरा दिया तो फिर मैं जिम को चैलेंज करूँगा। तो फिर आ जा भाई, तेरे को तो वैसे भी हार के ही जाना है, क्या उखाड़ लेगा हमारा। आ गया वैली, ठीक है, मेरे को याद है इसके पास तो रेड्स होता है, एक तो अभी भी रेड सी है लेवल 16 का। तो फिर फास्ट फॉरवर्ड में जल्दी से ख़त्म करेंगे। स्वेलो आया, एक विंग अटैक और गेम ओवर। भाई ये मेरे को सपने में भी नहीं आ रहा था कभी भी, मेरे पोकेमोन के लेवल देख रहे हो कितने ज़्यादा हैं, बहुत ट्रेनिंग करता हूँ मैं। ठीक है, तो अब निकलो अपने घर। अरे मुझसे बात मत करो, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी ऑडियंस बेचारी बोर हो रही होगी। चलो हो गया, ठीक, हैप्पी, चल जा। अब जाते हैं जिम के अंदर, एक बार देख लेते हैं। मेवलाइल वॉटसन है जिम लीडर का नाम, मेवलाइल, मेवली सिटी है कुछ ऐसा ही नाम है। इलेक्ट्रिक टाइप जिम है, तो फिर मैं काम करूँगा, पहले तो अपने स्वाले को पीछे करेंगे, नहीं तो भाई वो यहीं पे पूरा फेंट मर जाएगा। मतलब काम करता हूँ, एग्रोन आगे रखता हूँ, वो भी ग्राउंड टाइप है ना, मतलब आरोन को, सॉरी अभी विकसित हुआ नहीं है, मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ। तो आरोन को आगे रख दिए, अब घुस गए जिम में। तो यहाँ पर लगता है डबल बैटल होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो घुसते हैं। ठीक है, तो पहला बैटल हो चुका है जिम लीडर के चमचों का स्टार्ट। तो यहाँ पर क्या किया जाए, मारते हैं मड स्लैप, हाँ वो इलेक्ट्रिक टाइप है ना, तो ग्राउंड टाइप हमला काम भी आएगा, और ये डार्क टाइप हमला है तो वो उस साइकिक टाइप को कौन पर काम आएगा। तो गाइस, मेरे को आपसे बात करनी थी कि बहुत से लोग आते हैं मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो को देखते हैं, पसंद भी आते हैं उनको, तो कुछ लोग लाइक भी करते हैं, लेकिन जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं कि हम 50 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा कम करीब हैं, तो 50 सब्सक्राइबर्स का हमारा टारगेट है, तो आपको उसे कम्प्लीट करना ही होगा।
एमरल्ड की जर्नी के ख़त्म होते तक मेरा टारगेट है कि कम से कम 100 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट कर ही दे, और अभी अभी तो मैंने चालू किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ओके, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और जितना हो सके उतना शेयर कर देना, क्योंकि बाकी पोकेमॉन फैंस तक भी वीडियो पहुंचनी चाहिए। मेरे पास तो सबका नंबर है नहीं कि मैं सबको फॉरवर्ड करते रहूं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, तो भेज देना, ठीक है, शेयर कर देना देखने के बाद से, ताकि बाकी भी देख सके, और को भी बोल देना ज़रा सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर पहले दो ट्रेनर्स को हमने हरा दिया है, अब आगे वाले ट्रेनर्स को हराएंगे। वैसे गाइस सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी बैटल थी, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। अरे ये कुछ तार लग गया, तो फिर अब यहाँ पर कैसे किया जाए, ये देखो वो जो कुछ बना है ना, वो बिजली टाइप का ज़मीन में, उसको पैर रखते ही रास्ता बंद होता है फिर खुल जाता है, तो शायद हमको उसको ढंग से ढूंढना होगा। शायद इसके साइड से निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ट्रेनर बैटल है डबल, तो कर लेते हैं जल्दी से। तो गाइस बहुत सारे लोग आते हैं और मेरे से वीडियो में कमेंट पर पूछते हैं कि हाउ टू डाउनलोड पे एक वीडियो बनाओ, तो गाइस मैं हमेशा बोल ही रहा हूँ आपको, ज़रूर बनाऊँगा। बस एक बार 50 सब्सक्राइबर्स तो हो जाए, तो 50 सब्सक्राइबर कर दो, जिस दिन हो जाएंगे उसी दिन मैं तुरंत से वीडियो बना दूंगा। तो फिर मेरी सीरीज़ को कंटिन्यू देखते रहना, हर एक वीडियो को देखना, हर एक वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और जिससे हमारा टारगेट जल्दी ही कम्प्लीट होगा 50 सब्सक्राइबर्स का, और फिर मैं हाउ टू डाउनलोड पे वीडियो बना दूंगा। ओके, तो अभी यहाँ पर आ गए हैं कुछ छोटे मोटे नन्हे समुन्हे से पोकेमॉन। वॉल बीट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, सच बता रहा हूँ। अगर आपको भी पसंद नहीं है तो फिर लिख देना #, वॉल बीट, निकलो यहाँ से, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, पर उस घटिया पोकेमॉन के लिए मुझसे यही सब निकलता है ना यार। ठीक है, तो यहाँ पर एक बच्चा है, इससे भी मुकाबला कर लेंगे। अरे अरे अरे, फिर बिजली इस साइड हो गई, ठीक है, तो इसको सिस्टम समझ में आ गया है, तो अभी इस बच्चे से मुकाबला कर लेते हैं जल्दी से। दो पोकेमॉन है, ज़िगज़ैगून, तो मड स्लैप से कुछ नहीं हो रहा, तो फिर हम लोग कर लेते हैं पहले आयरन डिफेंस, एक और आयरन डिफेंस। अब डिफेंस तो हमारा मैक्स हो चुका है, तो अब हम करेंगे मेटल क्लॉ। तो भाई मेटल क्लॉ जाना लग जा, मेटल क्लॉ की एक्यूरेसी कम है ना यार, इस कारण से बार बार मिस होते हैं। अरे यार पैरालाइज भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो हम हरा ही देंगे। फिर गुल पेन आया है तो स्विच कर लेते हैं, क्योंकि पैरालाइज है ना, और शायद हमले ना भी लगे, तो फिर इस पर मैं कन्फ्यूजन मारा क्योंकि सुपर इफेक्टिव था, तो फिर ये बच्चा भी हार चुका है। अब एक काम करता हूँ, पोकेमॉन सेंटर जाता हूँ, हील करा के आता हूँ। ठीक है, तो मैं हील करा के आ गया हूँ, अब सीधे मुकाबला करते हैं हम जिम लीडर से। तो जिम लीडर को हराना मेरे हिसाब से आसान नहीं होने वाला है, तो फिर भी हम कोशिश करेंगे। मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि मैं एरॉन को सबसे आगे रखूँगा, उसका पूरा डिफेंस बढ़ाने की कोशिश करूँगा इन डिफेंस से, और जब तक वो टिकेगा टिकने रहने देंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ जिम मैच हो चुकी है स्टार्ट, तो देखते हैं कितना मज़ा आएगा कितना नहीं आएगा, हम इसको हरा भी पाएंगे या नहीं। चार पोकेमॉन है मेरे पास भी, चार है, बराबरी का मुकाबला है, मज़ा आने वाला है। ठीक है, वॉल्टोर बाय है, तो मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो है पहले आयरन डिफेंस करने का, तो फिर मैं वही करूँगा सबसे पहले। स्पार्क अटैक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा असर नहीं हुआ है आयरन डिफेंस किए, एक और बार आयरन डिफेंस करूँगा उसके बाद अटैक करना चालू कर दूँगा। ठीक है, ठीक, अब फिर से इस बार शॉक वेव किया है, जो कि उतना ही डैमेज दिया है। अब हाँ ठीक है, अभी इतना डिफेंस काफ़ी है, अब उस पर हमला करूँगा मैं। ठीक है, मट स्लैप करते हैं क्योंकि वो ग्राउंड टाइप हमला, अरे आयरन टेल है तो फिर उसी को कर देते हैं। ठीक है, सेल्फ डिस्ट्रैक्ट किया इसने, जो कि सिर्फ एक HP का डैमेज दिया, क्योंकि वो नॉट वरी था, ऊपर से मैंने पूरा डिफेंस बढ़ा डाला था, इसी कारण से मैं अच्छा हुआ। तो अभी पता नहीं कौन आ रहा है, मैं तो स्विच नहीं करने वाला क्योंकि आरॉन को अभी टिकने देते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये है, तो इस पर तो मट स्लैप मारते हैं क्योंकि ये सुपर इफेक्टिव है, क्यों, क्योंकि वो है ग्राउंड टाइप अटैक। ठीक है, तो मट स्लैप, ओके, एक और मट स्लैप में शायद वो फेंट हो जाएगा मेरे हिसाब से, उसकी एक्यूरेसी भी कम कर दिया क्योंकि मट स्लैप हमेशा एक्यूरेसी कम करता है। ठीक है, तो शॉक वेव, ज़्यादा कुछ तो नहीं होने वाला, अपना डिफेंस बढ़ा रखा है ना। ठीक है, मट स्लैप और वो ख़त्म।
अब अगला कौन है वो देखने वाली बेटा। ठीक है, दो पोकेमोन तो हमारे आरोन ने अकेले संभाले हैं, उम्मीद है कि तीसरे को भी हरा दे, फिर तो हमारा जीतना कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटॉन आया है, इस पर भी पहले मैं आयरन डिफेंस कर लेता हूँ क्योंकि शायद इसके पास शॉक वेव। ओके, शॉक वेव आया है, इस बार शायद फेंट हो जाए। अरे नहीं हुआ भाई, क्या सही चीज़ है, आयरन डिफेंस भी मैक्स हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ पोशन इस्तेमाल कर लेते हैं अगर होगा तो। वैसे तो मैं ख़रीदा नहीं हूँ जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, एक ही पोशन बस है यार। ठीक है, इस बार तो मरना तय हो चुका है हमारे बेचारे आरान का, फिर भी एक पोशन है तो एक बार लगा ही देते हैं। वैसे भी पोशन मैं कौन सा इस्तेमाल करता हूँ, मेरे हिसाब से तो इतना काफ़ी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो शॉक वेव इस्तेमाल किया है उसने, अब ख़त्म। हाँ, लग ही रहा था कि मरने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अभी निकाल रहे हैं स्वेलो, सोच रहे होगे स्वेलो क्यों निकाला, उसके पास तो डिसएडवांटेज। मैं जानबूझ के निकाला यार, उसको पहले से ही भेज देते ना मुकाबले में, फिर काम आएगा शायद, थोड़ा बहुत डैमेज तो दे के आएगा कम से कम। ठीक है, तो विंग अटैक से तो कोई मतलब नहीं होने वाला। ठीक है, तो अभी मैं क्विक अटैक करने की सोच रहूँगा, पैरालाइज कर दिया इसने शॉक वेव से, उससे डैमेज तो होता नहीं। अब क्विक अटैक करते जाएंगे जल्दी जल्दी से, अब तो क्विक अटैक ही मारते रहेंगे जब तक स्वेलो मरता नहीं, क्योंकि मेरा मूड है यार, क्या करेंगे वैसे भी। और भाई और सोनिक बूम अटैक, नॉर्मल टाइप अटैक था, ज़्यादा असर नहीं दिया। क्विक अटैक एक और बार, एक दो क्विक अटैक और लग जाए ना फिर तो ख़त्म है भाई। मैग्नेटॉन भी, अरे लग गया, अरे लग गया पावर, इस बार पैरालाइज ना पड़ जाए, पैरालाइज नहीं, अरे यार कांट मूव। ओके, इसका गेम तो ओवर हो चुका है स्वेलो का, कोई बात नहीं, अभी दो पोकेमॉन हमारे पास और जिंदा है, और मेरे पास है अभी रेड्स जिसको मतलब सॉरी कार्लिया, तो कार्लिया को तो निकालने नहीं वाले क्योंकि वो एक साइकिल टाइप है और वो एक स्टील टाइप, कोई भी हमले का असर नहीं होगा, तो हमें ग्रोवाइल को ही निकालना चाहिए। मैं रिस्क नहीं लूँगा, सीधे ग्रोवाइल का सबसे ताकतवर हमला यानी कि लीफ ब्लेड मारूंगा क्योंकि वो पोशन भी इस्तेमाल कर सकता था। ठीक है, तो ये तो एक ही लीफ ब्लेड में गया जबकि नॉट वेरी इफेक्टिव था, कोई बात नहीं। अभी इसका आखिरी पोकेमॉन के आने का वक्त हो चुका है जो कि मैं जानता हूँ मैग्नेट्रिक है, तो फिर मैं जानबूझ के स्विच करूँगा ताकि कार्लिया पहले पूरा डैमेज दे दे, फिर लास्ट में ग्रोवाइल एंट्री मारे और हीरो की तरह सबको बचा ले और मेरे को ये जिम मैच जिता दे रे बाबा। ठीक है, तो मैग्नेट्रिक ही आया है। ठीक है, तो अब मैग्नेट्रिक के पास स्ट्रैटेजी है, ठीक है मतलब सॉरी स्टैटिक है, तो मैं साइकिक मार रहा हूँ हाउल, इससे उसका अटैक बढ़ेगा, पूरे प्लानिंग में है मेरे को मारने के, कोई दिक्कत नहीं, कितना ही मार लेगा, मारेगा तब ना जब जिंदा बचेगा। ओके, एक और साइकिक फिर वो मर जाएगा मेरे हिसाब से। शॉक वेव उसने हाउल किया था तो बहुत ज़्यादा डैमेज मिलने वाला है, कुछ ज़्यादा ही डैमेज दे दिया यार, क्रिटिकल हिट था। हाउल भी काम है यार, काम का आता है। ठीक है, तो साइकिक अब उसने बैरिक खिला दी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक हमला हम लोग शायद अभी और मार सकते हैं, बस वो क्विक अटैक ना मारते। ठीक है, क्विक अटैक ही मारा उसने, हमारे प्लान पे पानी फेरना उसको अच्छे से आता है, इसे ही बोलते हैं जिम लीडर। ठीक है, तो अभी तो ग्रोवाइल है, शायद हम ये मुकाबला जीत चुके हैं क्योंकि उसके हम लोग का ग्रोवाइल पे कोई भी असर नहीं होने वाला, मतलब ज़्यादा ताकतवर नहीं होंगे, तो मैं लीव ब्लेड ही मारूंगा क्योंकि वो सबसे ताकतवर हमला है। और ये गेम ओवर। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, हार चुका है उसका मैग्नेट्रिक और हमने ये मैच जीत लिया है, तो अब हमें मिलेगा जिम बैज, तो फिर उसको लेआउट में कर दूंगा डिस्प्ले, देख लेना वो कैसा दिखता है वो बैज। ओके, जल्दी दे, ठीक है ऐसा होता है, देख लेना लेआउट में। ठीक है, तो आज हमने हरा दिया है अपने तीसरे जिम लीडर को और हमारे पास आ चुके हैं तीन बैज। ठीक है, तो एक बैज और उसके बाद हम अपने डैड से मुकाबला कर सकते हैं, तो एक और बैज चाहिए हमें जो कि शायद आगे चल के दूसरी सिटी या टाउन में मिले। तो फिर अभी आज के एपिसोड के लिए मैं इतना ही रखूँगा, और इसने भी अपना नंबर पोकेनाव में रजिस्टर किया है जिससे मुझे कोई मतलब नहीं क्योंकि मैं तो कभी फ़ोन नहीं करने वाला इन लोगों को। ठीक है, तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, चैनल पे जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर देना, 50 सब्सक्राइबर्स का एम है हमारा, 50 का टारगेट है, तो 50 सब्सक्राइबर्स हम बहुत ज़्यादा पास हैं, तो फिर सोचो मत कितने सब्सक्राइबर्स हैं, गिनो भी मत, और मेरे चैनल को पेज ओपन करके मत देखो कि कितने सब्सक्राइबर्स हैं अभी इसके,
अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक करना, और टारगेट कंप्लीट करने के लिए कम से कम सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।